Hello students and viewers, welcome to my classes. सभी को माय सेल्फ डियर गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज स्टूडेंट्स हम आपको सिंथेसिस का पार्ट थर्ड नाम या जीरण के साथ प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को प्लस करके किस प्रकार एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं. तो स्टूडेंट हमने प्री वीडियो में भी यही बताया था, दो पार्ट सिंथेसिस, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस कहते हैं. अब हम आपके सामने नाम या जीरण के साथ प्रीपोजिशन भी आ रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ लिखी हैं जो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कंबाइन करने में मददगार होती हैं. इन फीवर और इन के बीच में विधा है. किसी वस्तु को खरीदना या बेचना हो तो फॉर लगाते हैं. आपिक के साथ वर्ब में आईएनजी लगाकर जीरण का प्रयोग करते हैं. आवाज आएगी ना मी लेगी. ऑन के साथ भी हम वर्ब में आईएनजी लगाकर बना सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन है, इसके साथ भी आईएनजी बन सकता है. बिफोर का भी प्रयोग होता है. बिसाइड्स कहते हैं के अतिरिक्त या के अलावा. इन सभी प्रीपोजिशंस का प्रयोग सिंपल सेंटेंसों में बनाने के लिए स्टूडेंट्स किया जाता है. अब सभी स्टूडेंटों को बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आपको ये समझना है, हर प्रीपोजिशन के आधार पर मैं आपको एक हर एक के साथ एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दो या दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल. जैसे पहला आपका सामने आ रहा है इन फीवर. देखिए मैंने इसका एग्जांपल दिया है बच्चों, फादर इज इल, पिताजी बीमार है, ही हैज हाई फीवर, उनको तेज बुखार है, अर्थात वो तेज बुखार से पीड़ित हैं. तो फादर इज इल विद हाई फीवर. किससे पीड़ित है? हाई फीवर की वजह से पीड़ित है. दूसरा देखिए क्रेडिट है, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, मैंने इसके 50 रुपए खर्च किए, अर्थात खरीदना क्रय किया, तो हमने मैंने एक डिक्शनरी 50 रुपए की खरीदी. आई बॉट ए डिक्शनरी फॉर 50 रुपीज. देखिए ये प्रीपोजिशन यहां आपके सामने आ गई फॉर क्रेडिट. The hunter killed a fox. शिकारी ने एक रोमी मारी, वह घर लौटा, अर्थात एक रोमी को मारने के पश्चात. After मारने के बाद, after killing, देखिए after के साथ ing, मारने में आ रहा है, तो किल को killing. A fox, एक रोमी को मारने के बाद, नहीं ने killing आया है, किल में ही आईएनजी लगाएंगे. ही रिटर्न होम, कौन घर लौटा? हंटर. द हंटर रिटर्न्ड होम, ये आपका कंबाइन हो गया. अब आते हैं हर हस्बैंड डाइड, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, उसने समाचार सुना, वह मूर्छित हो गई. अपने हस्बैंड की मृत्यु का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गई. पर ऑन सुनने पर, ऑन हियरिंग, नामी ने सुनने में आ रहा है, सुन रहे, हियर को आईएनजी में जीरण बनाएंगे. ऑन हियरिंग क्या सुनने पर? द न्यूज, समाचार. किसका? ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु का, मृत्यु डायरेक्ट का डेथ हो जाएगा. कौन मूर्छित हो गई? शी फेंटेड, सी फेंटेड. इस तरह से बच्चों तीन को हमने कंबाइन कर दिया. अब आते हैं ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया, अर्थात सेंस निकलेगा, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया. इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं. इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? के बावजूद भी इसका सही. कठिन परिश्रम करने, नानी ने परिश्रम करना, वर्क में लगा है, इन स्पाइट ऑफ
वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। ही फेल्ड। द मून रोज, चंद्रमा निकल आया, उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, अर्थात उनकी यात्रा समाप्त होने से पहले ही चंद्रमा निकल आया। द मून रोज बिफोर, पहले, किससे पहले, द एंड ऑफ देयर जर्नी, उनकी यात्रा समाप्त होने से पहले। ये हो गया। अब आइए बिसाइड्स के, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे एक कलम दिया, अर्थात मुझे पढ़ाने के अलावा, मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे एक कलम भी दिया। के अतिरिक्त के अंग्रेजी क्या होगी बच्चों? बिसाइड्स के अतिरिक्त, पढ़ाने, टीचिंग, नानी ने आ रहा है, बिसाइड्स टीचिंग मी, ही गेव मी एक, उसने मुझे एक कलम भी। तो बच्चों, ये आज हमने नाम या जीवन के साथ प्रीपोजिशन के प्रयोग से किस प्रकार हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने जितना था इसमें वो बताया। इसके बाद आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लाएंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।